हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी और गाजर के पराठे। तो उसके लिए हमने ले लिया है, देखिए, पत्ता गोभी जिसे मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है, चाकू से किया है, एकदम बारीक कट किया है। सो कद्दूकस नहीं किया है क्योंकि इसमें से फिर पानी बहुत ज़्यादा छोड़ेगा। और यहाँ पर ले लिया है दो गाजर, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम रख दिए हैं कढ़ाई, गर्म हो रही है, इसमें सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है मेरी, इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चम्मच तेल। तेल के गरम होते ही इसमें हम डाल देंगे जीरा और अजवाइन भी डाल देंगे, अजवाइन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। साथ हम डाल देंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे हरी मिर्च। जीरा और हरी मिर्च मेरा लाल हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं जो मैंने गोभी कट करके रखा हुआ है। और इसी के साथ हम ऐड कर दे रहे हैं गाजर। अगर आप इसके साथ प्याज डालना चाहते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं। इसको हम फुल फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नहीं तो फिर इसमें से पानी छोड़ देगा। अगर इसमें आप प्याज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम हल्दी डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच से भी कम, और एक छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, उससे क्या होगा कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद यहाँ पे डाल दे रहे हैं धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम ले रहे हैं एक बड़ा चम्मच चाट मसाला। सभी मसालों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फुल फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। नमक अभी हम ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा इसको अच्छा से फ्राई करने के बाद लास्ट में हम नमक डालेंगे, नहीं तो फिर सब्जियों में पानी छोड़ देगा। सब्जियां मेरी फ्राई हो गई हैं, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं नमक। नमक हमने स्वादानुसार लिया है। नमक डालने के बाद भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। बस स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तावा रख दिए, तावा मेरा गर्म हो रहा है। और ये आटे की हमने छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी लोइयां नहीं लेंगे, लोइयां थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि स्टफिंग जब भरेंगे तो फिर फटने लगेगा, तो इसलिए लोइयां थोड़ा हम बड़ा लेंगे। नॉर्मल पराठा या रोटी के साइज से बड़ी लोइयां लेंगे और इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग आपको जिस तरह से आता है, आप बहुत सारे स्टफिंग के पराठे बनाते होंगे, तो आपको जिस तरह से आता है उस तरह से आप स्टफिंग इसमें भर लीजिए। और मैं ऐसे कटोरी की तरह बना लेती हूँ पहले, फिर इसमें स्टफिंग भर लेती हूँ। तो आपको जैसे आता है आप उस तरह से स्टफिंग भर के पराठे बना सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टफिंग ले लिया है दो बड़े बड़े चम्मच। इसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा करके अंदर की तरफ स्टफिंग को हाथ से दबा दबा के करके और साइड से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके बंद कर देंगे। और फिर इसको हाथ से दबा के हाथ से ही थोड़ा थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। डायरेक्ट बेलन चलाने से क्या होगा ना, पराठे हमारे फटने लगेंगे, तो इसलिए इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के इसको हम बड़ा कर लेंगे। बस, और इसको एकदम हल्के हाथों से बेल बेल के बना लेंगे। बेलन को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, एकदम हल्के हाथों से बेलन को चलाएंगे।
बस इसी तरह से हमने दूसरा पराठा भी बना लेना है। तो देखिए मेरे सारे पराठे बन चुके हैं, हमने बना लिए हैं पराठे, और पराठे बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी बने हैं। तो आप भी ट्राई जरूर करिएगा, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।